आप देखिए हमारे घर पे आया है मोर, ये रोज आता है यहाँ पे। देखिए कबूतर, बाजरा डाल दिखा कौन गई ये देखिए आज हमारे घर में मोर और मोरनी दोनों आए जोड़े से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आप देखिए हमारे घर पे आया है मोर, ये रोज आता है और यहाँ पे इसको एक रोटी खा और ये खा के जाता है। मोर यहाँ पे खाना खा रहा है, देखिए रोज आता है सुबह का टाइम शाम को टाइम दोनों टाइम आता है खाना खाने के लिए यहाँ पे। आप सुबह का देख सकते हो नजारा और कितने अच्छे यहाँ पे फूल खिले हुए हैं, ये देखिए। और हमारे यहाँ पे मोर नाच रहा है, इधर उधर इधर उधर घूम रहा है ये। ये उड़ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कबूतर बाजरा डाल दिया दाना, दिखा रहे हैं और कैसे उड़ रहे हैं। देखिए एक मोर इधर है, इसके पंख नहीं है, उड़ के देखिए उड़ रहे हैं यहाँ पे, उड़ गया। दुकान अभी बंद खुली नहीं है तो हम लोग आ गए यहाँ पे सिलाई करने के लिए। ये देखिए ये लड़की यहाँ पे लगी हुई प्रेस करने और ये मोनो इधर लगी हुई है ब्लाउज सिलने के लिए। बस इनका यही काम है और मैं भी आज इनके साथ ही बैठी हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि मुझे भी दो तीन ब्लाउज सिलने हैं बस थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं मम्मी के साथ आई हूँ सब्जी लेने के लिए और देखिए कितनी सारी इन लोगों ने फूलगोभी और पत्ता गोभी तोड़ के रखी और ताजा ताजा है। और ये लोग बोल रहे हैं हम लोग दवाई भी नहीं देते, बस जो ये गाय खड़ी इनकी खाद इन्हीं से ये लोग सब्जी करते हैं। और देखिए कितनी सारी गोभी लगी हुई है, इधर है फूल गोभी उस साइड है पत्ता गोभी और बहुत सारी है। ठंड भी बहुत रहती है क्योंकि ये सिंचाई की जगह है, इतनी ठंड रहती है जितने हमारे वहाँ रतनगढ़ में नहीं रहती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया सब्जी, मैंने फूल गोभी पकड़ रखी है और मम्मी ने पत्ता गोभी, तो हम 3 किलो पत्ता गोभी लेके आए, 2 किलो फूल गोभी। तो उन्होंने तो हमको ज़्यादा ही दी है, बोले आप इतने दूर आए हो लेने के लिए। वैसे हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो देखिए आज हमारे घर में मोर और मोरनी दोनों आए जोड़े से। तो गाइस बाय बाय, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।